करने में अभी 5 मिनट बाकी है। हम लोग घर से घर का सब काम खत्म करके नहा धो करके पूजा करके निकलना है। इतना हड़बड़ी था, इतना ठंडी का मौसम है, इतना हड़बड़ी था कि घर से आप लोग गुड मॉर्निंग कर नहीं पाए। इसीलिए यहाँ ट्रेन में सीट में बैठे हैं। इसका सोमा भी साथ में है, सोमा गुड मॉर्निंग करो। सोमा पूरा तोड़ता है लेकिन सोमा को ठंडी थोड़ा ज्यादा पड़ता है। इसीलिए बेटा लाके में बैठा दे, ऑटो वाला इतना धोखा दे दिया जिसको हम लोग को जान पहचान का ही ऑटो वाला कल बोला। हाँ शाम को फोन करके बोले जो आप आ जाएगा ना, ठीक है 4 बजे। हम 4 बजे का पहले से उसको फोन कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ना दूसरा ऑटो पकड़ के बेटा आके गाड़ी में रोड में छोड़ दिया, फिर ऑटो पकड़ के हम लोग आ गए। टिकट कटने में प्रॉब्लम हो रहा था, इतना भीड़ था टिकट कट के हम लोग बैठ गए। बहुत भीड़ है सब जगह, थोड़ा देर होता तो हम लोग को सीट नहीं मिलता सर। ट्रेन अभी छोड़ चुका है, सोमा सो गई। देखिए सोमा तो इससे में लेट से थोड़ा उठती है, इसीलिए इतना सुबह से जागी है तो सो गई। ट्रेन छोड़ चुका है, थोड़ा स्लो हो गया यहाँ पर, क्यों पता नहीं। इतना हड़बड़ी था घर में तो आप लोग को ट्रेन में बैठ के ही मतलब गुड मॉर्निंग किए, क्योंकि सुबह इतना काम रहता, सुबह का काम हम सब रात को बर्तन वर्तन धो के रख देते, तभी भी नहा धो के पूजा करके आंगन उंगन झाड़ू करके सब आए। सोमा घर और पोछी और रात को पूरी पत्ता पूरी जो सब्जी बनाए थे थोड़ा सा ले आया, फिर रख के भी घर में आया। ठंडी तो बहुत है, अभी खिड़की सब खुला नहीं है, बंद खिड़की में बात कर रहे हैं। बहुत ठंडी है, मेरा पूरा गला भी दर्द कर रहा, पता नहीं पानी भी नहीं पी सकते। बेटा बोला मम्मी 1 जनवरी को मत जाइए, मत जाइए, हम आ जाएंगे कल नहीं परसों आ जाएंगे। खड़गपुर में हम लोग पहुँच गए, पहुँच करके खड़गपुर को उतारने के बाद बेटी को बैठा करके एक जगह पर प्लेटफॉर्म पर टिकट कटने गए थे। शायद हम सठिया भी नहीं क्या पता नहीं, 3 नंबर में बैठाए उसको और दूसरा वाला 3 नंबर में खोज रहे हैं। 1 से 4 3 2 ऐसे होते तो 2-3 बार हो गए। बेटा भी वहां से डांट रहा, बेटी भी बोल रहा, वही करते करते ट्रेन अभी खाली है, 10 बजे ट्रेन छूटेगा, लेकिन हम लोग आके बैठ गए हैं, सीट भी मिल गया। पूरा ट्रेन अभी खाली है, लोकल ट्रेन है इधर का, जहाँ हम लोग जा रहे हैं उधर लोकल ट्रेन ही ज्यादा चलता है। एक्सप्रेस चलता है तो वो वहाँ नहीं रुकता, थोड़ा आगे वो ये वाला बड़ा स्टेशन नहीं है ना जो जहाँ हम लोग उतरेंगे, इसीलिए वो छोटा स्टेशन है, इसीलिए लोकल में ही जाते हैं हम लोग। सोमा भी मोबाइल में लगा हुआ है, उसका मुँह नाक मुख सब बंधा हुआ, उसको बड़ी ठंडा लगता है। नहीं भी सुबह ट्रेन अभी पूरा खाली है, कहीं एक वो दो गो आदमी चढ़ के बैठे हैं, जिनको पता है ट्रेन खड़ा रहता है वही आके बैठ जाते हैं। बाकी तो अभी 10 बजे तो भर जाएगा, अभी 9:10 हुआ। ये देखिए इधर से लेके खड़गपुर स्टेशन बहुत बड़ा, बहुत खड़गपुर से निकल चुके हैं, हिजली आ गए हैं, धूप तो खिला हुआ लेकिन ठंडा बहुत है, पहुंच जाएंगे 11:10 तक। ट्रेन राइट टाइम पे, आज मम्मी तो सो रही है, ट्रेन बहुत रुक रुक के चल रहा है इसलिए टाइम में नहीं पहुंचाएगा। 11:30 दिखा रहा है, 11:10 हो गया कब का, यहाँ तो धूप खिला अच्छा से। ट्रेन छोड़ दिया, हम लोग आके पहुंच के कपड़ा चेंज के ले दे। पीयूष को देखिए, इसी का बर्थडे है, ये देखिए बैठा है, बात करो बात करो, हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय करो, बाय बाय बोलो, बाय बाय करो, बाय करो, हम दिखा देंगे, बाय करो, बाय बाय करो। बड़ा हो गया देख, तापस पीयूष कितना बड़ा हो गया। और कुछ बोलो, बाय बोलने के बाद क्या बोला, और कुछ बोलो नहीं। सोमा बैठी है वहाँ, हम लोग आके पहुंच गए हैं, आयुष और पायल नहीं है।
आगे मासी का घर घूमने के, मासी बोलते हैं यहीं पे पास में चलो घूमने के लिए, मंदिर न्यू बना है काली माँ का मंदिर।